Hi all, this video is for standard 7th chapter 2 nutrition in animals. So already two videos is being sent to you. This is the third one, right? This is the part 3. With this video we are going to complete this chapter. So in this video we are going to discuss about a structure of tooth. ठीक है, इफ यू सी द टीथ इज वेरी स्मॉल बट वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. ठीक है, वी आर हैविंग सो मेनी पार्ट्स इन टूथ. देन वी स्टडी इन दिस चैप्टर टंग. व्हाट आर द टेस्ट वी आर गेटिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टंग. हाउ वी आर ईटिंग द फूड्स विद द हेल्प ऑफ टंग. देन ऑसियोफेगस. ऑसियोफेगस दिस इज फूड पाइप. ठीक है, then we are going to study about stomach in detail. What is the function of a stomach, how the food is getting digested and what is the process. Then we study small and large instant time and then digestion in ruminants. ठीक है, digestion हमारे में भी होता है but animals में वो digestion कैसे होता है. तो let's study the video. Hi all, this video is for standard 7 science chapter 2. Already we have released two videos on this chapter. Hope you have seen the same. तो nutrition in animals मैंने live lectures में भी आपको बताया था कि process of nutrition क्या है, nutrition से सब animals क्या हैं. अमीबा के बारे में मैंने बताया था. फिर मैंने एक बोर्ड लेक्चर्स भेजे थे आपको, वो भी हमने उसके अंदर एक्सप्लेन किया था. तो दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. अब नाउ वी हैव टू गो फॉर फर्दर डाइजेशन इन ह्यूमन. इसके बारे में मैंने आपसे डे बिफोर यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन कि ये जो पार्ट्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ठीक है, जैसे ओसियोफेगस है, लीवर है, स्टोमक है, गॉल ब्लॉडर है. ठीक है, डियोडेनम है, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ पे कैसा है कि माउथ, पहले माउथ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि माउथ का क्या वर्क है, क्या फंक्शंस है. ये भी हमने वीडियोज़ में अच्छे से डिटेलिंग में किया है और आप सबको इसमें थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हो तो आप बना लो, दिस विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है, इंसीजर्स, केनीज, प्रीमोलर, मोलर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि टीथ के अंदर होती हैं. ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बताया था आपको कि एक अगर फेयरबुक में आप चार्ट बनाते हो तो यू हैव टू गो फॉर ओन एक्सपेरिमेंट. आपको पता चलेगा कि टीथ कितने टाइप के हैं और लोअर जॉ में, अपर जॉ में कितने कितने टीथ हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, देखो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में कैसा है कि जो दांत आपको इतना सिंपल दिखता है उस दांत के अंदर भी स्ट्रक्चर होते हैं. वो स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या है, वो इसमें है. टीथ आर फिक्स इनटू द गम, वो हमारे मसूरे से फिक्स होते हैं. ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला होता है रूट. रूट देखो यहाँ सबसे नीचे है, अगर आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो रूट सबसे नीचे है. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ. रूट नीचे है. ठीक है, तो द पार्ट ऑफ ए टूथ बेडल्ड इन टू द जॉ. क्राउन द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम. नेक द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन. ठीक है, नेक किसको बोलेंगे, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन. इनेमल इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ ए टूथ. अभी जो टूथ होता है अपना उसके ऊपर वाइट देख रहे हो कलर का. एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटांस इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटांस माना जाता है उसको. इनेमल्स कंटेंस कैल्शियम सॉल्ट. उसमें क्या होता है, कैल्शियम और सॉल्ट होते हैं. इसलिए हमको बताया जाता है इफ़ यू गो फॉर द फूड हु आर हैविंग कैल्शियम तो इट विल बी बेटर फॉर अस फॉर टीथ ग्रोथ. आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब दांत आने लगता है तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो पेरेंट्स यूज टू प्रोवाइड देम, उसका एक मेडिसिन आता है, दे यूज टू प्रोवाइड देम टू डेवलप देयर टीथ. डेंटाइल
डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज हार्ड पल्प कैविटी. इनसाइड द डेंटाइन देर इज सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. अब देखो इसके अंदर नर्व्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं. आपने देखा होगा कभी दांत अगर टूट जाता है तो वी आर गेटिंग लिटिल बिट ब्लड इन आवर माउथ. सो दिस इज द अबाउट डिटेल अबाउट द टीथ. अब देखो टंग. अब टंग जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो टंग क्या है? द टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन. टंग जो है वो मस्क्यूलर ऑर्गन है एंड इट हेल्प अस टू मिक्स सलाइवा इन द फूड. इट इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ ए ब्यूकल कैविटी. इट इज फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. द टंग हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड. द टंग मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड. द टंग इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट. डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट बट लोकेटेड इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द टंग डिस्टिंग्विश वेदर द फूड इज स्वीट सॉल्टी सोर और बिटर. द टंग इज ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. अब देखो टंग से क्या क्या होता है. द टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन एंड इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन ए फूड. खाना खाते हो तो क्या होता है, देर इज ए लिक्विड कम्स आउट इन द माउथ और वो उससे खाने को पूरा वो कर देते हैं. इट इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द वक्कल कैविटी. और जीव देखो जब आप देखोगे तो ये अटैच होता है हमारे नेक से. इट इज अ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शंस. आपने देखा होगा चारों तरफ वो मूव करते रहते हैं बिकॉज दैट वी हैव टू एबल टू प्रोनाउंस. द टंग हेल्प इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड. जब हम खाना खाते हैं तो खाने का टेस्ट वो हमको बताते हैं. तो इसके अंदर देखो टंग के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ. देखो सबसे पीछे जो है ना वो बीटर है. फिर देखो सोर, सोर ये दोनों साइड देखो सोर इज सॉल्टी सॉल्टी एंड स्वीट. बिल्कुल सामने का जो भाग होता है टंग का दिस यूज टू बी वेरी सेंसिटिव. जब आप मिर्चा खाते हो तो आप थोड़ा सा आगे टच करके चेक करते हो. यू आर नॉट पुटिंग द इनसाइड योर माउथ. तो वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम द टंग. तो टंग द टंग इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट. डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट बट लोकेटेड इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ टंग डिस्टिंग्विश वेदर द फूड इज स्वीटी सॉल्टी सोर और बीटर. अदरवाइज हमको टेस्ट का पता नहीं लग पाएगा. द टंग इज ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. हम लोग बोलते हैं तो विदाउट टंग कहाँ बोलते हैं. आपने देखा होगा कुछ लोगों के टंग में प्रॉब्लम होता है तो दे आर नॉट एबल टू स्पीक. अब देखो ये एक्टिविटी है विच यू कॉन्ट डू एट होम. ठीक है, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन शाम को मिलेगा नहीं. अब देखो ऑस्टियोफेगस. अब ऑस्टियोफेगस क्या है? इट इज़ ए फूड पाइप. तो फूड पाइप का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, जब आप ऑस्टियोफेगस के बारे में लिखने को आएगा तो फूड पाइप का आप डायग्राम बना सकते हो. डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स फूड इसको बोलते हैं ब्लोज बोलते हैं रिलैक्स्ड मसल्स. अब देखो ये है स्ट्रक्चर ऑस्टियोफेगस का, यानी ये हमारी फूड पाइप बोलते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसा द माउथ कैविटी ओपन्स इनटू ए ट्यूब कॉल्ड ऑस्टियोफेगस. थ्रू दिस ऑस्टियोफेगस द स्वेलोड फूड पासेस इनटू लार्ज शेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमन. फूड इज पुश्ड डाउन बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्शंस प्रोड्यूसिंग ए वेव लाइक मूवमेंट इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप. दिस वेव लाइक मूवमेंट इन द फूड पाइप विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड ए प्रेसिस्टिकल्स. है ना, प्रेसिस्टाइलिस. अब देखो फैक्ट फाइल है. जनरली फैक्ट फाइल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. ड्यूरिंग वोमिट, जब आप वोमिट करते हो द फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टोमक टू माउथ बाई प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टाइलिसिस इन द फूड पाइप स्टोमक. अब देखो स्टोमक के बारे में हम डिटेल में जानते हैं. देखो ऑस्टियोफेगस जो होता है उससे बिल्कुल अटैच होता है स्टोमक. देखो यहाँ पे ऑस्टियोफेगस लिखा हुआ है, हमने ऑस्टियोफेगस के बारे में अभी स्टडी किया. उसे बिल्कुल अटैच है स्टोमक. लेयर्स ऑफ मसल्स हैं देखो. फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स इसको बोलते हैं. स्टोमक के लेयर्स के अंदर होते हैं म्यूकस. फिर पैरोलस और ड्यूओडेनम. जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है स्टोमक में उसके बाद वो ड्यूओडेनम में जाता है. ठीक है, एक बार मैं रीड करता हूँ. द स्टोमक इज ए जे शेप्ड थिक वॉल. ठीक है, थिक वॉल मस्कुलर बैग. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग.
इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड इट इनर मेम्ब्रेन्स स्कियर्ड मी ग्रास्टिक एक्सक्रेशन इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर इट कैन होल्ड अप टू 2 liters ऑफ फूड एट ए टाइम 2 liters वाटर एक साथ हमारे रह सकते पेट में फूड स्टेज इन द स्टोमक फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड द स्टोमक एक्सक्रेट्स ए जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस एंड एज कॉल्ड एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड के डाइजेस्ट करने के लिए हमारे फूड को सही करने के लिए हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता रहता है द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन टू द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स टू वर्क द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड फ्रॉम हियर इट गोज टू द स्टोमक इंटेस्टाइन और वहाँ के बाद खाना हमारा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में रीड करते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब देखो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है मीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इन टू डियोडेनम है ना जेजुनम एंड लियम ये 3 पार्ट में होता है डियोडेनम जेजुनम एंड लियम एज द सेमी लिक्विड फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज एक्टेड अपॉन द एक्सक्रिएशंस फ्रॉम 2 glands लीवर एंड द पेनक्रियाज द लीवर इज अ वेरी लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टोमक इट प्रोड्यूसेस बेली जूस बेली हेल्प्स इन ब्रेकिंग फैट्स इन टू टीनी ड्रॉपलेट्स सो दैट इट कैन बी इजिली डाइजेस्टेड द पेनक्रियाज इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमक इट एस्केप्स पेनक्रियाटिक जूसेस दीज जूसेस आर रिच इन एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स आर चेंज इंटू एमिनो एसिड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल एंड कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज दीज एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड वीली विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट इंटू द ब्लड सिस्टम Thus the nutrients are carried to the cells in all parts of the body. The food this remain undigested and unabsorbed passes from a small intestine into large. Large intestine क्या होता है The large intestine is about 1.5 meter long. 1.5 meter लंबा होता है The undigested and unabsorbed food from the small intestine entered into large intestine. The large intestine absorbs most of the water and undigested food material. Due to removal of water, the undigested food becomes semi-solid. This undigested food, जिसको हम waste बोलते हैं, is stored in the last part of the large intestine called rectum for some time. The undigested semi-solid waste is passed out from our body through anus in the form of feces. This is called ingestion. ठीक है तो ये था अब देखो डिजॉर्डर इन द डाइजेस्ट सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिजॉर्डर क्या होता है डिजॉर्डर मतलब कभी हमको खाना नहीं पचता है डायरिया हो जाता है ये सब जो बीमारी होती है तो क्यों होता है वो डिजॉर्डर हो जाता है अब डिजॉर्डर क्यों होता है वो हम देखते हैं इनडाइजेशन इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम कॉज्ड बाई कंज्यूमिंग रिच फूड दैट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट रिच फूड का मतलब क्या होता है पंजाबी खाना है उसमें बहुत सारा ऑयल है बहुत सारे मसाले हैं तो वो खाना पचता नहीं है जल्दी फिर क्या होता है लोग इनो पीते हैं फिर कोई डाइजिन खाते हैं तो ये इनडाइजेशन क्यों होता है बिकॉज ऑफ रिच फूड खाने से होता है ईटिंग फूड टू क्विकली और बाई नॉट च्यूइंग प्रॉपरली कई बार क्या होता है कि हम खाने को अच्छे से चबाते नहीं च्यूइंग नहीं करते हैं और क्या होता है खाना हम जल्दी जल्दी खाते हैं एकदम ठीक है जल्दी जल्दी खाते हैं बीच बीच में पानी पीते हैं तो विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस दीज सिचुएशन लीड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस उससे क्या होता है बहुत सारे गैस बनते हैं पेट के अंदर क्योंकि हम खाना खाएंगे पानी पिएंगे तो क्या होता है देर इज ए गैप ऑफ फूड एंड फूड तो उसके अंदर गैस बनना शुरू हो जाता है हीट डेवलप होता है हीट से गैस बनता है तो इट टर्न्स जब आपने देखा होगा कि आप खाना खाते हो तो कई बार क्या होता है गैस फॉर्मेशन होते हैं आपके पेट फूलने लगते हैं पेट टाइट होने लगता है आप बोलते हैं आई एम गेटिंग सम प्रॉब्लम सर में पेन होने लगता है चेस्ट में पेन होने लगता है
तो वाई दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ अनडाइजेशन, डिसऑर्डर्ड होता है। दिस सिचुएशन लीड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड लॉट ऑफ एसिड इन स्टोमक। व्हेन ए पर्सन ब्लेंड सम ऑफ एसिड कम्स आउट गिविंग ए बर्निंग सेंसेशन और हार्ट बर्न। कई बार क्या होता है, छाती में जलने लगता है, गले में जलने लगता है तेल और मसाला खाने से, इसलिए वी अवॉइड ऑयल एंड स्पाइसी फूड। व्हेन ए पर्सन, ठीक है, इफ़ दिस कंडीशन प्रसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन द लीनिंग ऑफ स्टोमक डेवलप अल्सर ए पेनफुल कंडीशन। अगर इस तरीके से होता है तो हमारे पेट के अंदर अल्सर डेवलप होता है। अल्सर एक टाइप की बीमारी है विच इज़ वेरी बैड डिजीज़, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में दर्द होता है, हम सुस्त हो जाते हैं, वी आर नॉट इन मूड टू वर्क हार्ड, ठीक है, अनइजी महसूस होता है। अब डायरिया, ठीक है, डायरिया द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया मे बी कॉज बाई एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कॉजेज बाई डायरिया कैन इवन लीड टू डेथ। सो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाई गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। आपने ये सिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, इसको बोलते हैं ORH। अब तो रेडीमेड मार्केट में भी मिलता है रेगुलरली टू द पेशेंट। अब जिसको डायरिया होता है उसमें क्या करते हैं, हम नमक और शक्कर के घोल को मिला के भी हम पिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बॉडी से बहुत सारा पानी चला जाता है, इसलिए डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं कि उसको पानी चढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। कंस्टिपिकेशन, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरिया। कंस्टिपिकेशन मीन्स डिफिकल्टी इन बोवेल मूवमेंट्स, पासेज ऑफ ए स्मेल, हार्ड स्टूल। इट इज मोस्टली कॉज बाई इंटेक ऑफ रिच एंड ओवर रिफाइंड फूड लैकिंग इन, है ना, रफेज। फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ रफेज एंड कैन हेल्प इन दिस कंडीशन। कंस्टिपिकेशन में क्या होता है कि वेन वी गो फॉर ऑयली फूड्स और कुछ ढंग का खाना नहीं खाते हैं तो हमें कब्ज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखो डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, ठीक है, रूमिनेंट्स। अब क्या होता है एनिमल्स में कैसे होता है, तो रूमिनेंट्स बोलते हैं उसको आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, लाइक काउज एंड बफेलो। ग्रास कंटेन्स द प्लांट फाइबर सेलुलोज विच टेक्स लॉन्गर टू गेट डाइजेस्टेड, सो दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेशन। दीज एनिमल्स च्यू द फूड क्विकली एंड स्वेलो इट द माउथ। इट द ब्लड द फूड इज देन ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक टू द माउथ एंड देन च्यूइंग अगेन। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन और च्यूइंग द कड। द फूड देन स्वेलोड अगेन द डाइजेस्टेड इन द वेरियस चेंबर्स ऑफ द ह्यूज स्टोमक दे पासिस विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। देखो रेक्टिकुलम ओसियोफेगस, ह्यूमन में भी होता है ओसियोफेगस, तो दिस इज कॉमन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन, बट रेक्टिकुलम, ठीक है, ओमाशम, इंटेस्टाइन, रूमेन एंड एबो मशम। अब ये चेंबर है, फोर चेंबर होते हैं इसके एनिमल्स के, ठीक है। द फूड देन स्वेलोड अगेन द डाइजेस्टेड इन द वेरियस चेंबर्स ऑफ द ह्यूज स्टोमक दे पासिस विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देर आर फोर चेंबर्स इन द स्टोमक ऑफ ए रूमिनेंट्स, दीज आर रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमाशम एंड एबोसम, सॉरी हाँ। द च्यूड फूड फर्स्ट गो टू द रूमेन। अब देखो ये प्रोसेस है कि हमारे फूड कैसे आगे प्रोसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन में आपने देखा था, ठीक है, इग्निशन है, फिर स्टोमक में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है, वैसे ही एनिमल्स में होता है पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द च्यूड फूड फर्स्ट गो टू द र्यूमेन, जो खाना वो चबाते हैं वो र्यूमेन में जाता है। द र्यूमेन हैज़ बिलियन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ दैट ब्रेक द सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास। अब ग्रास के अंदर क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और सेलुलोज होते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं, उनको क्या होता है कि ह्यूमन में जब जाते हैं तो उनको वो ब्रिक्स करते हैं। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, इट देन गोज टू द नेक्स्ट चेंबर।
द रेक्टिकुलम, इन द रेक्टिकुलम द फूड इज टर्न इन टू कड, दिस कड इज ब्रॉड बैक टू द माउथ ऑफ फॉर द च्यूइंग। आपने गायों को देखा होगा या बफेलोज वगैरह को, खाना तो खा लेते हो बट बाद में जब कहीं शांति से बैठते हैं तो अपने माउथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, करते रहते हैं ना, दैट मीन्स दे आर च्यूइंग, वो खाने को फिर से डाइजेस्ट करते हैं, यानी रूमेन से खाने को बैक दे आर टेकिंग टू द माउथ और फिर से उसको वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गोज टू द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड पार्शली डाइजेस्टेड, देखो हम यहाँ पे थे, दिस कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग, रेक्टिकुलम हैज ए हनीकॉम्ब लाइक ए स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन मूविंग द स्वेलोड फूड बैक टू द माउथ ऑफ द च्यूइंग अगेन, दिस रीच्यूम्ड कड इज स्वेलोड अगेन एंड पासेज ऑन स्टेट टू द थर्ड चैम्बर, द ओमासम बाई पासिंग द रूमेन एंड रेक्टिकुलम इन द चैम्बर मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द कड इज रीअब्जॉर्ब एंड दिस पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज पासिस ऑन द फोर्थ चैम्बर, उसको खाना फोर्थ चैम्बर में चला जाता है। फोर्थ चैम्बर कौन सा है, एबो मशम, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, एबो मशम, दिस इज द ट्रू स्टोमक एंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का होता है वैसे ही सिमिलर उनका होता है स्टोमक, जिसको हम लोग बोलते हैं एबो मशम, दिस इज द ट्रू स्टोमक एंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन, द एक्सक्रिएशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन दिस चैम्बर एक्ट एज द कर्ड एंड डाइजेस्टेड इट कम्प्लीटली, द डाइजेस्टेड फूड देन पासेज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज एब्जॉर्बेड, और वहाँ पर जाके इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो टीथ ऑफ रिमिटेंस, ये जानना जरूरी है, जैसे ह्यूमन में टीथ होता है वैसे ही एनिमल्स में टीथ होता है, रिमिटेंस हैव इंसीजर्स मोरल्स एंड प्री मोलर, उनके अंदर भी होता है इंसीजर्स मोलर्स एंड प्री मोलर्स, दे डू नॉट हैव केनीज बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स एंड डू नॉट हैव टू टीयर एनी फ्लेश, उनको तो ग्रास खाना होता है उनको, दे आर नॉट सपोज टू टीयर, तो उनके अंदर क्या है केनीज नहीं होता है, केनीज चीज जो होता है इन ह्यूमन और एनिमल्स में होते हैं बिकॉज वी आर सपोज टू टीयर समथिंग, दे हैव शार्प एड्स इंसीजर्स इन द फ्रंट विच आर यूज फॉर कटिंग ग्रास, देयर मोलार्स एंड प्री मोलार्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विच हेल्प देम टू च्यू द फूड, वो उनको चबाने में मदद करता है। तो विद दिस वीडियो आवर दिस चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट, आपको कीवर्ड फेयरबुक में लिखना है और लर्न करना है, जिससे कि आपको पूछा जाएगा डाइजेशन क्या है, बीली क्या है, सलाइवा क्या है, मेस्टिकेशन क्या है, वैक्यूल क्या है, इंगेशन क्या है, कड क्या है, और आपका जो WRT होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर यही सब बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का होगा, सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे, तो डोंट टेक इट ईजी, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। तो आप सब लोगों को यही है कि बुक के बीच से जो MCQs होते हैं वो सब आपको रेडी करना है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इनफैक्ट टू चैप्टर्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन एनिमल्स, विद दिस वी हैव कवर लॉट ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड दिस बोथ चैप्टर्स यू हैव टू गो थ्रू द सेम बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव आवर WRT विथ 20 मार्क्स, ऑल आर MCQs एंड ऑल क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड बिटवीन द बुक्स, नो क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड विद योर एक्सरसाइज, ओके। तो आपको क्या है डिटेल में बुक्स के अंदर जाके समझना है कि वॉट आर द थिंग्स, ठीक है, प्री मोलर है, मोलर है, केनीज है, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ दिस, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन आवर माउथ एंड जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके माउथ में क्या है, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, वॉट आर द फंक्शंस, ठीक है, ये सब चीज़ आपको डिटेल में रीड करना है। चलो, थैंक यू।